व्हाट्सअप मेरे भाई लोग, कैसे हो भाई लोग। देखो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, इसमें रियलमी आ चुका है दोस्तों, रियलमी 8 में नया अपडेट। दोस्तों इस अपडेट में आपको एक बहुत ही बढ़िया फीचर आया, बट मैं बता रहा हूँ सभी यूजर्स के लिए नहीं है, ठीक है। वो भी किस यूजर्स के लिए वो बताऊंगा। ये रियलमी 8 में 255 MB का है, आपको RMX 3085 11 8.22 में आपका जो है नया वर्जन आने वाला सॉफ्टवेयर अपडेट। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको नवंबर का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच मिलता है इस अपडेट में, और यहाँ पर दोस्तों एक और फीचर मिलता है जिसका नाम है ग्लांस फॉर रियलमी। इसको अपडेट करने के बाद ही ये वाला फीचर आपके अपने फ़ोन में देखने को मिलेगा। अगर आप अभी आप जाके चेक करते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होम स्क्रीन के अंदर सेटिंग्स के अंदर जो है, तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा ग्लांस फॉर रियलमी। ये काम क्या करता है कि वर्ल्ड में जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज़ है, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, गेम, शॉपिंग, जितने भी कैटेगरी, उन सब के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आता है, क्या लॉन्च हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ है, वो सब आपको लॉक स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। और ये किस तरह के यूजर्स के लिए वो भी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि 255 MB का है, इसको फटाफट डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी जैसे कि इशूज़ हैं उसे फिक्स कर दिया गया और सिस्टम को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया गया, ऑप्टिमाइज़ किया गया स्टेबल रखने के लिए। तो ये फटाफट भाई डाउनलोड हो गया है। अब तो भाई हम लोग अपडेट करने वाले हैं, तो उसको तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो अब हम लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ एंड में कि सभी यूजर्स के लिए अपडेट नहीं है, कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए ही अपडेट है। अब चुनिंदा कौन आते हैं वो भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई इसको फटाफट अपडेट कर लेते हैं, और अपडेट को मैंने पूरा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है भाई 16 times, तो डोंट वरी, हमें बहुत ही ज़्यादा ये फास्ट है और आपको ज़्यादा मतलब इसमें समय नहीं लगने वाला है। तो चलो भाई अपडेट भी हो गया है, फटाफट फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। जब भी देखो, जब भी आप अपने फ़ोन को अपडेट करोगे ना, लॉक अनलॉक करोगे, थोड़ा सा कोशिश करना 30 seconds के लिए या 1 minute के लिए फ़ोन को रहने देना। वो ऑप्टिमाइज होता है इसलिए थोड़ा सा वो शुरुआत में आपके फीचर एक्सेप्ट नहीं करता है फंक्शंस को, उसके बाद जब वो स्टेबल हो जाता है अपडेट हो जाने के बाद, तब जाके भाई वो थोड़ा सा देखो अब स्टेबल हो गया तो अब खुल भी रहा है। तभी आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले में जाना है, और नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो आपको दिखेगा ग्लांस फॉर रियलमी। इसको आपको जाके अंदर में ये ऑन कर देना, यही नया फीचर है जिसके अंदर आपको लॉक स्क्रीन के अंदर ही आपको मतलब बिना फ़ोन अनलॉक के दुनिया भर की जितनी भी ट्रेंडिंग खबरें हैं वर्ल्ड वाइड, सब कुछ आपको पता चल जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑन कर देना है जिससे ये आपका लोकेशन को एक्सेस करता है, उसी हिसाब से आपको न्यूज़ वगैरह बताता है सब कुछ है। अभी तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही कैटेगरी है, उसके बाद दोस्तों अलग अलग करके बहुत सारे कैटेगरीज इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप ऑप्शन अपडेट कर सकते हो, अपडेट कंटेन यूजिंग मोबाइल डाटा, या फिर अगर आपके पास वाईफाई है तो बढ़िया बात है, उस वाले फीचर को ऑफ कर देना जो मैंने अभी ऑन किया था, अपडेट कंटेन यूजिंग मोबाइल डाटा। देखो अब आपके पास मोबाइल डेटा बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है, आपको ये नहीं देखना है कि आपको रोज़ का 2 GB नेट इस्तेमाल करना है या 1.5 GB, तो ठीक है। लेकिन अगर आप भाई आप नेट बचा बचा कर चलते हो, इसका वर्जन फिलहाल में 1.3.3, ये अर्ली स्टेजेस में है ना, तो ज़्यादा फोन्स में नहीं देखने को मिलेगा, लेटेस्ट रियलमी स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा, कुछ इसी तरह से है। तो यही बात है, मतलब आपके पास रोज़ का डेटा है भाई, आपको बचा बचा के चलना, तो ये फीचर आप मत ही ऑन करो, और ऑन करो भी तो किसी के वाईफाई से इस्तेमाल भले ही कर लो, लेकिन अगर आपके पास अनलिमिटेड नेट है, वाईफाई की कोई कमी नहीं है भाई, एकदम ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हो बिना डेटा का चिंता किया, तब तो भाई ग्लांस फॉर रियलमी आप ही के लिए बना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है भाई। टिकटॉक और जो म्यूजिकल ऐप है वो लोग भी काफ़ी अच्छे डेटा कंज्यूम करते थे और नेट खत्म होता था, बट उससे ज़्यादा जल्दी ये ख़त्म कर देता है क्योंकि फुल HD क्वालिटी में चलता है, कुछ भी न्यूज़ वगैरह खबरें एकदम 1080p में, और मतलब आपका डेटा कब छूम अंतर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना, वाईफाई में इस्तेमाल करना, ठीक है। तो भाई बस आज के लिए वीडियो में इतना ही, पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू एंड बाय बाय।